चीरपानी गांव के ददरा टोला में दो वार्ड हैं, 12 और 13। यहां पर कुल 0 से 5 वर्ष के 36 बच्चे हैं और 1 किलोमीटर दूरी होने के कारण आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जाते हैं। यही के लिए मांग किया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र की। यहाँ के बच्चे जो है ना खेलते कूदते रहते हैं, कोई ना पढ़ने लिखने का कोई उन्हें कोई वो नहीं है, इसलिए वहाँ मांग की जा रही है। आपके यहाँ के बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं जाते हैं? दूर के बाद नहीं जाते। कितना दूर है यहाँ से आंगनवाड़ी? 1.5 किलो। 1.5 किलो। इस समस्या के लिए, जैसे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के जो मांग के लिए, आपके गांव के लोग कहां कहां प्रयास किए हैं? मेरे यहां ग्राम के लोग, इसी ग्राम में ही बैठक रखा गया था। बैठक के दिन थी 10/3/2013 में, और फिर यहां से बैठकर वो ग्राम सभा में भी प्रस्ताव पारित किया गया था, और वहां से भी जहां महिला विकास योजना को भी दिया गया है, फिर भी यहाँ कोई सुनाई नहीं आ रही। क्या किया आप लोगों ने तब कहीं ये बदलाव हुआ है आपके ददरा टोला में? पत्रकार मैडम जी हैं सरोज परस्ते, और सरपंच द्वारा प्रस्ताव लिख के भिजवाया गया परियोजना में, तो वो जमा किया परियोजना में, फिर वहाँ से आदेश मिला मेरे को, फिर 28 जुलाई को जॉइनिंग लिए, फिर उसी दिन से फिर केंद्र चालू किए। आपको अब कैसा लगता है कि यहाँ के बच्चे अनौपचारिक शिक्षा से वंचित नहीं है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, क्योंकि ये मोहल्ला जो है बहुत दूर था बस्ती से, क्योंकि आंगनवाड़ी वहाँ खुला था। अभी इस मोहल्ला में खुलने के कारण बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, बराबर आ रहा है। मैं यह बदलाव समुदाय और सरपंच के सहयोग से ला पाई हूँ। मेरा मानना है कि जहाँ लोग मिलकर लगातार प्रयास करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम छीरपानी, विकासखंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।